नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश दुनिया की खबरें जो हम तक पहुंचाते हैं उसे हम पत्रकार कहते हैं। किसी भी देश में पत्रकार या मीडिया जगत को देश का चौथा पिलर माना जाता है। जरूरी है उन पत्रकारों को सम्मानित करने की जो सच्चाई की तलाश करते हैं और जब तक सच की तह तक नहीं जाते, जब तक सच नहीं जानते, तब तक चैन की सांस नहीं लेते। पत्रकारिता और पत्रकार के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही अग्रणी संस्था पत्रकार प्रेस परिषद और हिमालय और हिंदुस्तान ग्रुप तथा पत्रकार प्रेस महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया का वार्षिक महाअधिवेशन एवं सम्मान समारोह देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी ऋषभ मिश्रा आजाद ने की। अधिवेशन में पत्रकारिता क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रकार प्रेस परिषद देश भर में पत्रकारों के हकों और अधिकारियों के लिए उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है। उसकी सराहना करते हुए उन्होंने समस्त पत्रकार साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और पत्रकारिता के सुनहरे भविष्य को लेकर पत्रकार प्रेस परिषद की योजना साझा की। पत्रकार प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रताप साकेती ने कहा कि ऐसे अधिवेशन होने से पत्रकारों का प्रोत्साहन और कार्य करने की उत्कृष्ट कार्य करने की सत्य प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे कार्यों की सराहना करते हैं। गुजरात मंदिर के संत बाबा करुणेश महाराज ने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म की रीति नीति पत्रकारिता पर आधारित है। पत्रकारिता ने आम जन की आवाज को सरल बनाया है। वहीं इसी बीच ऋषभ मिश्रा आजाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित इस भव्य अधिवेशन और सम्मान समारोह में सैकड़ों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय सचिव ऋषभ मिश्रा आजाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कृष्ण देव ने नई जिम्मेदारी देते हुए पत्रकार प्रेस परिषद का चेयरमैन घोषित किया। कार्यक्रम में महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सुवेंद्र चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संतोष शर्मा, डॉक्टर रवि रस्तोगी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिवेशन समारोह के दौरान पत्रकार संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए 5 लाख का बीमा संगठन का पत्रकारों को देने की घोषणा की गई और नववर्ष 2022 का कैलेंडर जारी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऋषिकेश के वरिष्ठ समाज सेवी अंजन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि संयुक्त तत्वाधान के इस मीडिया संगठन के पूरे देश भर में 50,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।